हाय एवरीवन, सो अगर आपने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी है तो मैं आपको बता देती हूँ, बियर बाइसेप्स के दो सबसे बड़े चैनल जो उनके पॉडकास्ट के चैनल थे वो बंद हो गए हैं। मुझे ये न्यूज़ ट्विटर पर पता चली, वो हैक हो गए हैं किसी तरह से। डिजिटल सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात शायद मैं किसी और वीडियो में करूँगी। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है और नीट के चैनल पर क्यों अपलोड किया है, तो जैसे ही वो वीडियो हैक हो गए, बियर बाइसेप्स ने अपने रणवीर अलाहबादिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर थोड़े से फ़नी से वीडियोज़ डाले दैट मेरा करियर ख़त्म हो गया, हाय राम मेरे यूट्यूब के वीडियोस ख़राब हो गए, अब मैं क्या करूं। तो एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फिर ये बोलना शुरू कर दिया कि ये तो पीआर के लिए कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही अपने चैनल्स को ऐसे किया, बिकॉज लोग सोच रहे थे कि हाय राम वो लोग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी शो करेंगे, हाहाकार मचाएंगे। एंड विराज सेठ, वन ऑफ हिज मंक एंटरटेनमेंट जो ओन करता है बियर बाइसेप्स के चैनल्स को, उसका एक और को फाउंडर रणवीर अलाहबादिया तो फेमस को फाउंडर है, एक और को फाउंडर, उन्होंने स्पेशली एक आर्टिकल लिखना पड़ा उनको ट्विटर पे, जहाँ पर उन्होंने लिखा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमने नहीं किया है, ये पीआर के लिए नहीं है और हम रिलैक्स हैं, काम है, इसको हमारा पीआर मत समझिए कि हमने खुद ही ने ऐसा किया है। सो व्हाट, व्हाई दिस वीडियो ऑन अ नीट चैनल एंड व्हाट डज दिस हैव टू डू एट ऑल एनीथिंग एट ऑल विद द नीट एस्पिरेंट? आई पर्सनली फील, जैसे ही मैंने ये सब कुछ पढ़ा, मैं एक और वीडियो बना रही हूँ लाइफ इनसाइड मेडिकल कॉलेज। इनफैक्ट बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें कर रही हूँ। तो जब मैंने ये पूरा एक ये इनका रिस्पांस देखा, तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, दैट दे वर रियली इन कंट्रोल। ऑब्वियसली दे आर वेरी रिच, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स ऑफ इंडिया, सो यूट्यूब को कंप्लेन करी, दे ऑल्सो सेड यूट्यूब टीम हमें बहुत हेल्प कर रही है, and YouTube को complain करके I'm sure things will come back to normal, but at the same time just that 1% chance ke things do not come back to normal, it is very stressful, it's a lot of anxiety, cyber attacks are not good, unke to sare channel ko sari information ko bhi delete kar diya gaya hai, but at the same time the most important lesson jo hum yahan se seekh sakte hain wo ye hai ki they are so calm and I think that is a superpower. aapki life mein bhi kai baar aisa hota hoga that you know आपका कोई एग्जाम अच्छा नहीं गया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, बहुत स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, पैसे खर्च के कोटा गए पर वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंग के पैसे दे दिए पर अब समझ में नहीं आ रहा। आई नो फाइनेंशियल स्ट्रेस इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट, बट और भी बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ें होती हैं, जब भी नंबर अपने हिसाब से नहीं आ रहे, एक और बार ड्रॉप करना पड़ रहा है, रैंक नहीं मिल रही, वेन एवर दैट स्ट्रेस और एंग्जाइटी जब बहुत पीक पर पहुँच जाए, आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू रिलैक्स, टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज स्ट्रेस में तो चीज़ें बिगड़ेंगी ही, स्ट्रेस से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, एंगर फ्रस्ट्रेशन से जो भी रिस्पॉन्स आएगा, उसमें तो चीज़ें और बिगड़ेंगी, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ स्टेप बैक, टू रिलैक्स, टू बी इन द मोमेंट एंड देन थिंक लॉजिकली कि अब क्या करना है। लॉजिकली वो अगर वो चिकन चिल्ली शुरू भी कर दे ट्विटर पे, वो चीखना भड़कना बात करना शुरू भी कर दे, बोले तूने किया है, ये हो गया कि कुछ गड़बड़ हो गया, हम कैसे हैक हो गए, सिक्योरिटी नहीं थी, डबल वेरिफिकेशन नहीं थी, टू पिन ये नहीं था, वो नहीं था, उससे कुछ नहीं होगा। So it is always better to take a measured response, to think analytically, to think logically, to think properly ki yaar ye kyun hua hai, ab kya iska solution niklega, to be fully in control, be aware of all the entire situation and then take a very very measured proper response. And I think that I really, really admired about the way the entire team of Bio Biceps responded to this situation. Take care. Bye.